Hello students, so we have done SN2 reaction and we will do now SN1 reaction. SN1 reaction stands for unimolecular nucleophilic substitution reaction. So unlike SN2 reaction, this reaction completed in two steps. This reaction completed in two steps, and rate of this reaction, depends upon concentration of alkyl halide या एनी अदर सबस्टेट जो SN1 दे रहा है. तो सबस्टेट या रिएक्टेंट, तो मैं यहाँ पे सबस्टेट लिख देता हूँ ओनली. ठीक है, दैट मींस जो SN1 रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. सो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि किस टाइप के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन होगी जिसमें कि रेट केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करे, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो द बेस्ट सबस्ट्रेट या बेस्ट एल्काइल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं. CH3 CH3 CL और इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं कराता हूँ एक्वस NaOH. देखो मैंने एक्वस लिया है क्योंकि हमने अभी सॉल्वेंट में सीखा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन, एंड वी विल सी हाउ. सो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 OH प्लस NaCl एक्वस. ठीक है, सो नाउ इसकी करेंगे हम लोग मैकेनिज्म. सो क्या होगा, जो वाटर है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ दिस CCl बॉन्ड. दिस इज अ पोलर बॉन्ड वाटर सॉल्वेंट, यू नो दिस वाटर सॉल्वेंट जो है इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन्स. जैसे कि आप NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हो तो इट ब्रेक्स इंटू Na+ NaCl- आयन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, तो वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन में, एक एक करके हम देखते हैं. देखो ध्यान से. सो बच्चों CH3 CH3 CH3, यू नो दैट कि अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बैक साइड अटैक इस कार्बन पे नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाई दिस सबस्ट्रेट और दिस एल्काहलाइड इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव रिएक्शन इन SN2 मैनर बिकॉज बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल. सो न्यूक्लियोफाइल का रोल कैसे आ पाएगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सो फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकता है क्योंकि नेगेटिव आयंस आपस में पास नहीं आ सकते, तो कोलिजन के लिए न्यूक्लियोफाइल को बैक से आना पड़ता है, लेकिन बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, सो ये दिस बॉन्ड इज ब्रेक्स इन हेल्प विद द हेल्प ऑफ वाटर सॉल्वेंट. ये वाटर सॉल्वेंट इस बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड यू गेट CH3 C
CH3 plus and Cl minus. वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है एंड यू नो कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड दिस इज कार्बोकेटायन इनकम्प्लीट ऑक्टेट. कार्बोकेटायन विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ओके सो हम मोर स्टेबल कंपाउंड से लेस स्टेबल में जा रहे हैं तो इसलिए दिस इज अ RDS स्टेप. यू नो व्हाट इज RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट इज अ स्लो स्टेप. जब आप स्टेबल से अनस्टेबल इंटर में जाते हैं तो उसे स्लो स्टेप बोलते हैं. दिस इज स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट स्टेप क्या है एसिड रिएक्शन का तो यू विल से द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. ओके नाउ जो कार्बोकेटायन बना है दिस कार्बोकेटायन इज प्लेनर. सो कार्बोकेटायन फॉर्म विद कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट. सो इट इज अनस्टेबल बट इट इज ए इंटरमीडिएट. है ना इज ए इंटरमीडिएट एंड दिस कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज प्लेनर. ओके सो आई कैन ड्रॉ दिस कार्बोकेटायन लाइक दिस सी प्लस CH3 एंड CH3. नाउ न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है फ्रॉम NaOH विल लुक दिस कार्बोकेटायन एंड विल एड इन टू इट. ओके सो सेकेंड स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ओके सो ये इस पर ऐड हो जाएगा. अब देखो बच्चों दिस कार्बोकेटायन इज प्लेनर. सो ये OH आयन इस कार्बोकेटायन प्लेन के अबव ऑफ द प्लेन या बिलो ऑफ द प्लेन दोनों साइड से इसमें जोड़ सकता है. सो CH3 बट अभी इसमें कोई कायरलिटी नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए OH. नाउ दिस स्टेप विल बी स्लो और फास्ट. तो देखो कार्बोकेटायन जो बना है ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. नाउ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सो यू आर गोइंग फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल कंपाउंड्स. दिस इज अ फास्ट स्टेप. सो रेट किस पे डिपेंड करता है? स्लोवेस्ट स्टेप पे. तो जब इस रिएक्शन का रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? रेट प्रोपोर्शनल टू स्लोवेस्ट स्टेप. और स्लोवेस्ट स्टेप में क्या है? केवल एल्काइल हैलाइड. सो वी कैन से रेट डिपेंड अपॉन दिस एल्काइल हैलाइड ओनली CH3C एंड Cl. जितना ईजिली CCl बॉन्ड टूट जाएगा उतना ही इस रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा. तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 4 times कर दिया गया तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? यू विल से रेट विल नॉट इफेक्ट. व्हाई? बिकॉज रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है. न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है. न्यूक्लियोफाइल ने ना तो इस बॉन्ड को तोड़ा है. RDS स्टेप में इसका कोई रोल नहीं है. रेट तो इस पर डिपेंड करेगा एंड दिस स्टेप इज ऑलरेडी फास्ट. तो फास्ट स्टेप में तो जो स्टेप ऑलरेडी फास्ट है उस पर तो रेट डिपेंड ही नहीं करता. ओके सो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है सेनवन रिएक्शन की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सो इट इज ए 2-step प्रोसेस. नाउ इसके पहले जब हम लोगों ने SN2 किया तो हमने कहा कि CH3Cl को हम कार्बोकेटायन ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज CH3+ इज ए अनस्टेबल कार्बोकेटायन. बट यहाँ पर हम कार्बोकेटायन बना सकते हैं तो इसलिए 3-degree सबस्ट्रेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर SN1 रिएक्शन बिकॉज SN1 रिएक्शन वही कंपाउंड देंगे जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं. और वो कार्बोकेटायन बनता कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. दिस वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ब्रेकिंग ऑफ दिस CCl बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकेटायन. ओके सो स्टेप RDS स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले सकता हूँ मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन
मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन, फास्टर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, फास्टर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन. ओके, लाइक दिस. Again, characteristics of SN1 reaction. Characteristics of SN1 reaction. तो सबसे पहला क्या है? It is a unimolecular reaction. ओके, सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड थर्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन. सो अगेन यू कैन आस्क व्हाई. सो मैंने क्या बताया कि दिस सॉल्वेंट हेल्प इन ब्रेकिंग दिस सीसीएल बॉन्ड. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट सॉल्वेंट डज, कि जो कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, कार्बोकैटायन जैसे कि मैं एक सिंपल लेता हूँ RCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. सपोज दिस इज 3 degree कार्बोकैटायन, सो 3 degree अल्काइल हाइड, यू कैन कंसीडर इट. सो यू विल गेट R+ एंड Cl-. ओके, देन जो ये कार्बोकैटायन बनते हैं, अब मैंने कहा कि दिस इज अनस्टेबल. सो फिर ये कैसे फॉर्म हो गया? जब अनस्टेबल है तो कैसे फॉर्म हो रहा है? तो वाटर क्या करता है कि जो एनर्जी गैप है बिटवीन दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल, उसको कम करता है बाय सॉल्वेशन. कैसे? देखो, R+ जो कार्बोकैटायन है, इसके सराउंडिंग में ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से गैदर्ड हो जाते हैं, और R+ है तो नेगेटिव पोल के साथ आ जाएगा. वाटर का एक फायदा है कि इट हैज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड या पोल. इसकी वाटर का शेप कैसा होता है बच्चों? इट इज़ अ बेंड शेप. ओके, सो वेक्टर इज लाइक दिस. सो वी कैन रिप्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, Δ+, Δ-. Δ- रिप्रेजेंट ऑक्सीजन एंड Δ+ रिप्रेजेंट हाइड्रोजन. ठीक है, इस तरीके से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये केटायन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, और इससे क्या होता है कि पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. दिस पॉजिटिव कार्बोकेटायन अट्रैक्ट विद द नेगेटिव पोल ऑफ वाटर, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो वी कैन से इट इज अ आयन, आयन इज अ कार्बोकेटायन, और वाटर इज अ डाइपोल, इट इज अ आयन डाइपोल इंटरेक्शन. ओके, एंड दिस द इंटरेक्शन ऑफ केटायन और एनी आयन्स विद द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेशन, इज कॉल्ड सॉल्वेशन. नाउ यू कैन सी कि जब अपोजिट चार्ज ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है और उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है. इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट हो रहा है वाटर के डाइपोल से, तो इसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी. तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये स्टेबिलिटी जो है वो इस RCl के आसपास आ जाएगी, जिससे कि जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा. तो क्या हो रहा है? वाटर इज स्टेबलाइजिंग दिस कार्बोकेटायन बाय सॉल्वेशन. उससे क्या होता है? द एनर्जी गैप बिटवीन दिस डिक्रीजेस, देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड. ओके, सो यू कैन से लाइक दिस कि सॉल्वेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दिस एनर्जी हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ दिस RCl बॉन्ड. कभी आप सुनते हो ना कि किसी के बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. ओके, सो इनके जो इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज यूज्ड टू ब्रेक दिस RCl बॉन्ड आल्सो.
एंड इसी तरीके से Cl- का भी सॉल्वेशन होगा, इस बार वाटर का पॉजिटिव पोल इसके चारों तरफ आ जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस लाइक दैट। ओके सो दैट्स हाउ, तो पोलर प्रोटिस्टॉन क्या करते हैं, दे स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बाई सॉल्वेशन, दैट्स वाई दे आर दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटायन। बेसिकली अगर ये वाटर इसको स्टेबलाइज नहीं करता तो भी कार्बोकेटायन जो बना था वो वापस रिवर्स बैक होकर के RCl बना लेता। ठीक है, ओके सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हमने देखा, इट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। नाउ थर्ड फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में हम क्या देखेंगे कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हैं R3CCl में ये रिएक्शन फास्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बिकॉज इट फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके एंड फिफ्थ में अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें इस रिएक्शन की, ऑफ SN1 रिएक्शन, तो इसमें होता क्या है, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, एंड व्हाट इज रेसिम मिक्सचर, पहले समझते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। देखो इस टर्म को मैं अभी समझाता हूँ। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड कायरल लेना पड़ेगा, दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड हैविंग कायरल सेंटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो सपोज दिस इज जनरल एल्काइल हैलाइड, इट हैज R1 R2 R3 एंड Cl। नाउ यू कैन से कि दिस कार्बन सेंटर इज अ कायरल कार्बन सेंटर। ओके नाउ इसमें जब रिएक्शन होगी एक्वस में विथ न्यूक्लियोफाइल लाइक Nu- न्यूक्लियोफाइल है, सो इवन अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हो तो वाटर इटसेल्फ एक्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल, नो प्रॉब्लम। सो यू विल फॉर्म कार्बोकेटायन, दिस बॉन्ड विल ब्रोकन, सो R1 एंड दिस कार्बोकेटायन इज प्लेनर, सो आई एम ड्राइविंग लाइक दिस R1 C R2 एंड R3, ओके प्लस Cl-। नाउ दिस इज अ प्लेनर कार्बोकेटायन एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, R1 C+ R2 एंड R3। नाउ जो न्यूक्लियोफाइल है सेकेंड स्टेप में जब ऐड होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन के अबव ऑफ द प्लेन और बिलो ऑफ द प्लेन जोड़ सकता है। तो किस में ज़्यादा जुड़ेगा किस में कम जुड़ेगा तो इस बात को हम नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि ये 50-50% दोनों साइड से जुड़ सकता है। ओके सो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, लेट कि कुछ में न्यूक्लियोफाइल अबव ऑफ द प्लेन जुड़ा और कुछ में ये बिलो ऑफ द प्लेन जुड़ा, इसको मैं इस तरह दिखा सकता हूँ, दिस इज़ योर R2 R1 एंड R3 R2 R1 एंड R3। ओके नाउ ये दो फॉर्म बने हैं, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जिसमें एक फॉर्म को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और दूसरे फॉर्म को बोलते हैं लीपो, यू नो। सो जब एबव ऑफ द प्लेन से जुड़ेगा, सपोज दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय अटैकिंग अबव द प्लेन एंड बिलो ऑफ द प्लेन से जुड़ेगा तो सपोज ये स्ट्रक्चर बनता है तो ये दोनों स्ट्रक्चर होंगे आपस में मिरर इमेज होंगे और ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होंगे, एक डेक्स्ट्रो यानी कि जो प्लेन पूरा लाइट को राइट रोटेट करता है और एक लीवो जो लेफ्ट में रोटेट करता है। तो ये मिक्सचर क्या होगा, द मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, द मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई, बिकॉज रोटेशन ऑफ वन आइसोमर कैंसिल द रोटेशन ऑफ अदर आइसोमर्स। सो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट रोटेशन क्या है मिक्सचर का, जीरो।
तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो लाइट को रोटेट करें। तो दिस सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव, दिस सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव, बट इन दोनों का रोटेशन अपोजिट है, तो जब ये एक साथ प्रेजेंट है तो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? सो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ मैं। रेसमिक मिक्सचर इज वन इन विच डेक्स्ट्रो एंड लीवो एनेंसोमर एनेंसोमर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ओके, इन विच डेक्स्ट्रो एंड लीवो एनेंसोमर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट लीवो ओके। सो दिस मिक्सचर is optically inactive, okay? So ये mixture जो होता है बच्चों वो optically inactive होता है, और इस phenomena को जिसमें कि एक isomer का rotation दूसरे isomer को cancel कर देता है, this called racemization, okay? This is called racemization, ठीक है? So this was another characteristics of SN1 reaction. Now let's see graph for SN1 reaction. Graphs for SN1 reaction. देखो ध्यान से बच्चों, इसको समझने के लिए इस पर वापस आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब एक बात बच्चों समझना कि जब एक कार्बोकैटायन बनता है ना, तो हर एक रिएक्शन में इवन इंटरमीडिएट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेज जुड़ आती है। ट्रांजिशन स्टेज होती क्या है, जिसमें कि कोई बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है, ब्रेक होने के पहले की कंडीशन, और कोई बॉन्ड फॉर्म होने वाला है उसकी कंडीशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल स्टेट। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या हो सकती है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है एंड कार्बोकैटायन बनने वाला है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ध्यान से, this is potential energy in y axis, this is reaction coordinate, or you can say progress of reaction. So somewhat यहाँ पर मैंने मान लिया कि हमारा reactant है, means R3CX and water, ओके? सो पहले वाटर से क्या होता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, CX बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, और कार्बोकैटायन जो जनरेट हो रहा है उससे धीरे धीरे वाटर अट्रैक्ट हो रहा है। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ओके? एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट वन, ओके? फिर ट्रांजिशन आने के बाद जिसमें CX बॉन्ड काफ़ी पोलराइज हो चुका है, उसके बाद यू विल गेट इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट यहाँ पे, दिस इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ओके? दिस इज अ कार्बोकैटायन। नाउ दिस कार्बोकैटायन विल फॉर्म अनदर ट्रांजिशन स्टेट। देखो इसके बाद क्या होगा कि कार्बोकैटायन बन गया,
अब कार्बोटैन इससे इनिशियली धीरे धीरे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो जब ये कंपाउंड नहीं बना उसके पहले कंडीशन क्या होगी कि ये कार्बोटैन और OH आयन काफ़ी ऐड हो चुके हैं बट कम्प्लीटली बॉन्ड अभी फॉर्म नहीं हुआ है। तो अनदर ट्रांजिशन स्टेट, बट वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इससे कम है अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो। सो दिस इज अनदर ट्रांजिशन स्टेट TS2 एंड देन यू विल फॉर्म अ प्रोडक्ट P। द प्रोडक्ट इज R3COH प्लस X-। ओके, सो ट्रांजिशन 1 दिस इज द इंटरमीडिएट and transition to 2 and this is the product. This is a plot for SN1 reaction. Okay, so अब हम लोग कुछ example देखते हैं SN1 reaction के। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये compound है CH2Cl, ओके, एंड इस कंपाउंड की रिएक्शन आप कराते हैं एक्वस NaOH से, AQNaOH। सो क्या मिलेगा, एक्वस NaOH, यू विल गेट CH2OH प्लस NaCl, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 SN2, इट इज़ ए 1 डिग्री एल्काइलाइड बट स्टिल इट कैन गिव SN1 रिएक्शन अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो। क्यों, बिकॉज दिस एल्काइलाइड कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। सो आपको बस ये देखना है कि अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो SN1 रिएक्शन हो सकती है विथ ध्यान रखना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये कार्बोन स्टेबल क्यों है, बिकॉज दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आप इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव एंड यू विल फॉर्म अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर CH2 प्लस चार्ज एंड डबल बॉन्ड लाइक दिस। ओके, एंड इसमें और भी रेजोनेंस हो सकते हैं, प्लस चार्ज ओवर हियर, फिर इसको आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए, प्लस चार्ज एंड डबल बॉन्ड लाइक दैट, है ना, एंड इस तरह करते हैं तो वापस हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं CH2 प्लस दिस डबल बॉन्ड। सो दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो गिव SN1 रिएक्शन, इसमें SN2 भी हो सकती है अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो। सो दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, ओके, एंड दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि इतने ग्रुप को क्या बोलता हूँ मैं, बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, क्लियर, ओके। सो अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं आपको CH2Cl CH Cl इसमें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगी, तो यू विल से दिस, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 रिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, है ना, दिस कार्बोकैटायन क्या बनेगा, कार्बोकैटायन C+ दिस इज ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, ओके, स्टेबलाइज बाय हाईली स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, हाईली स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ओके। सो दैट्स वाई मैंने क्या बताया था, मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन मोर फास्टर द SN1 रिएक्शन एंड मोर रेसमाइजेशन ऑल्सो। देखो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतने ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बनेगी, और जितने तक कार्बोकैटायन की क्वांटिटी होगी उतने उसमें अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, एंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेसमाइजेशन। तो जब भी पूछे कि
किस रिएक्शन में रेस्टमाइसिन सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, दैट्स इट। सो और कुछ एग्जांपल देखते हैं इंटरेस्टिंग से, जिसमें कि SN2 होती है मगर SN1 भी हो सकती है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल देखते हैं CH3O CH2Cl। अब इस कंपाउंड में SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कलहैलाइड। वाई SN1? SN2 तो ओके, SN2 तो 1 डिग्री में होती है, बट SN1 कैसे हो रही है? सो द रीजन बिहाइंड इट कि अगर मैं यहाँ पर एक्वस लूँ NaOH के साथ, सो व्हाट विल हैपन कि जब कार्बोकेटायन बनेगा इसमें, दिस बॉन्ड विल ब्रेक CH3O CH2 प्लस। सो दिस कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबलाइज विद ऑक्सीजन लोन पेयर। ओके, सो इस लोन पेयर को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, सो यू विल गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर O+ डबल बॉन्ड CH2। और देखो इस कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। सो दिस इज वेरी हैप्पी। सो स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, तो SN1 रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, तो समझ लेना कि SN1 ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 3 कंपाउंड बताना है आपको, A, B, C, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सो अगेन SN1 के लिए आपको स्टेबल कार्बोकेटायन देखना है। सो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज अगेन कार्बोकेटायन, एंड दिस इज अगेन कार्बोकेटायन, एंड यहाँ पे क्या है, CH3 नाउ डबल बॉन्ड। यू कैन सी कि दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज लाइक दिस। इसको आप इधर तोड़ दीजिए, सो यू विल गेट डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, एंड अगेन दिस इज टू डिग्री बट रेजोनेंस से अगर कार्बोकेटायन रेजोनेंस में डिस्पर्स हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, रेजोनेंस, सो डबल बॉन्ड एंड CH3 प्लस। सो दिस कार्बोकेटायन इज 3 डिग्री एज वेल एज रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ओके, सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी दिस, मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन, मोर फास्टर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू कैन कन्वर्ट एल्काइलाइड इंटू मेनी अदर और न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको, CH3Br है बच्चों, ओके, एंड इस CH3Br में सपोज OH- ने अटैक किया, OH- ने लाइक दिस, ओके, सो यू विल गेट CH3OH। अगर इस CH3Br में SH- ने अटैक किया, तो यू विल गेट CH3SH। अगर इस कंपाउंड में CH3O- अटैक करे इस तरीके से, सो यू विल गेट CH3OCH3। नाउ दिस इज ईथर, दिस इज एल्कोहल, एंड दिस इज मिथाइल थायो एल्कोहल। इसको थायो ग्रुप बोलते हैं, मिथाइल थायो एल्कोहल। ओके, अगर इस कंपाउंड में मैं एसीटेट आयन CH3CO- की अटैक कराऊँ, सो ये लीव कर जाएगा, एंड यू विल गेट CH3COOCH3। नाउ दिस इज एस्टर। ओके, अगर इस कंपाउंड में मैं NH2- का अटैक कराऊँ, सो दिस विल लीव अगेन, एंड यू विल गेट CH3NH2। ओके, सो यू कैन कन्वर्ट CH3Br इंटू अदर फंक्शनल ग्रुप सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगर आप इवन सिंपल NH3 से कराते हैं, तब भी ये कंपाउंड
आपको क्या देगा, सी एच थ्री एन एच टू, एन एच थ्री एच बी आर निकल जाएगा एन सी एच थ्री एन एच टू यू विल गेट। ओके अगर आप इस कंपाउंड में सी एन माइनस की रिएक्शन कराएं सी एन माइनस की, सो सी एन माइनस से यू विल गेट सी एच थ्री सी एन मिथाइल साइनाइड। इस तरीके से यू कैन फॉर्म नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बाय दिस रिएक्शन। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि सी एच थ्री सी एल की रिएक्शन में के सी एन से कराऊं, तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, सी एच थ्री सी एन प्लस सी एच थ्री एन सी, ठीक है, प्लस के सी एल। इसका नाम है मिथाइल साइनाइड एंड इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके एंड जिसमें जो ये प्रोडक्ट बना है मिथाइल साइनाइड, इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से क्यों, एक्चुअली ये एक्वस मीडियम है एंड के सी एन जो होता है, के सी एन इज एन आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। और अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इट विल डिसोसिएट इनटू के प्लस एंड सी एन माइनस लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी एन माइनस। सो इट हैज टू साइड टू अटैक। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो दिस सेंटर दिस नाइट्रोजन कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस कार्बन कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बट एट ए टाइम इट हैज चॉइस इधर अटैक फ्रॉम दिस सी एस सी एल टू सी साइड और एन साइड। ओके अब देखो ध्यान से, अगर ये सी साइड से अटैक करता है तो यू गेट सी सी बॉन्ड, और अगर एन साइड से अटैक करता है तो यू गेट एन सी एन एन सी बॉन्ड। सो पहली बात देखो, जिस न्यूक्लियोफाइल के अंदर टेंडेंसी होती है, जिस न्यूक्लियोफाइल के अंदर टू साइड्स होते हैं अटैक होने करने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके क्या होते हैं, विच हैज टू साइड टू अटैक, या टू अटैच कह सकते हो, अटैक अगर आपको नहीं सही लगे। ओके सो अब इसमें ये मेजर क्यों है, तो एक्चुअल में क्या होता है, सी सी बॉन्ड इज मोर स्टेबल, और वैसे भी कार्बन इस सेंटर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन नाइट्रोजन, ये मैंने बताया था, सी सी बॉन्ड इज मोर स्टेबल, सो अटैक मेनली टेक्स प्लेस फ्रॉम सी साइड। ओके दैट्स वाई दिस इज अ मेजर पार्ट। बट इसी में एक चीज और है, अगर आप इसी सी एच थ्री सी एल की रिएक्शन ए जी सी एन से करा दें, तो ए जी सी एन जो होता है, इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड, इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड। ओके सो इट पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस, पार्शली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ओके इट पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस सी ए जी सी एन ए जी प्लस एंड सी एल माइनस, क्योंकि कोई कंपाउंड आयनों में नहीं टूटते हैं। तो फिर जब ये ए जी तो सी साइड से जुड़ा हुआ है, तो फिर सी साइड इज नॉट फ्री बिकॉज ये आयनों में नहीं टूट रहा है, तो रिएक्शन किस साइड से होगी, मेनली एन साइड से। इसलिए अगेन यू विल गेट टू प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एन प्लस सी एच थ्री एन सी, बट दिस टाइम सी एच थ्री एन सी इज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके सो इट पार्शली आयनाइज इनटू आयंस, सो अटैक मेनली टेक्स प्लेस
टेक्स प्लेस फ्रॉम एन साइट, अटैक मेनली एन साइट से होता है. ओके, दैट्स वाई इस बार आइसोसाइनाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट है. समझ गए ना आप लोग, क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटेगा तो सी साइट फ्री नहीं हो गए, तो फिर एन का लोन पर ही इस पर अटैक करेगा और फाइनली फिर AgCl का PPT बन जाएगा. आई थिंक अंडरस्टूड.